बलरामपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता रिजवान जहीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीतलापुर गांव में 2 करोड़ की कोठी उनकी कुर्क कर ली गई है। प्रशासन की तरफ से ये कुर्क की कार्रवाई की गई है। बलरामपुर में भी सीज की गई करोड़ों की जमीन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा यूपी के टॉप 10 अपराधियों में उनका नाम शामिल किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कुर्की की कार्रवाई की गई। फिलहाल हत्या के मामले में जेल में बंद है रिजवान जहीर, इनका बेटा और दामाद भी जेल में बंद है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से अब कहीं ना कहीं वो मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं।